प्रेग्नेंट है पूनम पांडे, क्या है सच देखिए वीडियो में। कैलेंडर गर्ल बनकर पूनम पांडे को मिली पहचान, बोल्ड तस्वीरें शेयर कर बनी इंटरनेट सेंसेशन। जी हां, इंटरनेट सेंसेशन बनकर सोशल मीडिया पर छाने वाली मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं। पूनम अपनी बोल्ड तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। पूनम अपने इन स्टेप से सुर्खियों में रहना खूब अच्छे से जानती हैं। तस्वीरों के जरिए चर्चा में रहने वाली पूनम अपने बेतुके बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब अपने बयानों के चलते पूनम पांडे कॉन्ट्रोवर्सी से घिर गई। 11 मार्च 1991 में दिल्ली में जन्मी पूनम पांडे ने अपने करियर में कुल 5 फिल्मों में काम किया है और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। पूनम ने कई और इवेंट्स में भी अपना जलवा बिखेरा और कुछ मैगजीन के कवर पेज पर भी नजर आई। आपको बता दें, मनोरंजन जगत में आने से पहले पूनम पांडे कॉलेज में एक एथलीट थी और उन्होंने हाई जंप रिले रेस में भी हिस्सा लिया था। अपने बोल्ड अंदाज के लिए पूनम पांडे अक्सर चर्चा में रहती हैं। साल 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया के लिए न्यूड होने की बात कहकर पूनम ने खूब चर्चा भी बटोरी थी। पूनम पांडे और कंट्रोवर्सीज का पुराना नाता रहा है, चाहे फिर बात क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान उनके दिए गए बयान की हो या फिर शादी के कुछ वक्त बाद ही पति सैम बॉम्बे पर संगीन आरोप लगाने की। इन विवादों के अलावा भी पूनम पांडे अपने फोटोज और वीडियोस के चलते कई बार विवादों में रही। वहीं पूनम अपने फिल्म फेयर लुक को लेकर चर्चा में रही थी। पूनम पांडे ने साल 2019 फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी। पूनम ने जैसे ही अपने लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि अगर पूनम ये ड्रेस ना भी पहनती तो अच्छा था। कुछ यूजर्स ने कहा कि वो तो हमेशा ही ऐसा कुछ करती हैं कि लाइमलाइट में बनी रहे। साल 2018 रिलीज हुई पूनम पांडे की फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म में पूनम के साथ शक्ति कपूर भी नजर आए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे फिल्मों से ज्यादा अपनी बोल्ड तस्वीरों और वीडियोस की वजह से चर्चा में रहती हैं। इतना ही नहीं, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर भी खबरें सामने आई। ऐसी खबरों पर हालांकि पूनम ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। पूनम पांडे ने ऐसी खबरों को अफवाह बताते हुए कहा था कि उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती का प्रेग्नेंट मत बनाओ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, एक बार पूछ तो लो, मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, मैं पेड़ बांटूंगी अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ।